नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक केस बताएंगे, जो पेशेंट है इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है पिछले 10 साल से इनका स्टूल हार्ड होता है, ठीक से इनका जो प्रेशर जो अर्थ होना चाहिए वो आज ठीक से नहीं होता है। हर दो दो दिन तीन तीन दिन छोड़ के एक बार वो फ्रेश होने के लिए जाता है और स्टूल हार्ड होता है। तो इस केस के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया है। एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, सब कुछ ट्राई हो चुका है, होम्योपैथी में ट्राई हो चुका है, लेकिन कहीं से भी इस पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्यों फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर भी ये पेशेंट मेरे पास आया हुआ है भरोसा लेकर, ट्रस्ट लेकर कि डॉक्टर दत्ता के पास जाएंगे तो हो सकता है कुछ बात बन जाए, क्योंकि इतने लोगों को सही कर रहे हैं, तो एक बार ट्राई करके देखें कि क्या हो सकता है यहाँ से। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, हम लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी सिम्टम के, हम लोग कोई एक सिंगल रेमेडी भी हम लोग पेशेंट को दे नहीं सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम चाहिए होगा पेशेंट से, लेकिन एक डॉक्टर को पेशेंट को मेडिसिन बताने से पहले पेशेंट को ऑक्सिलरी मेजर्स क्या क्या है ये बताना पड़ेगा कि पेशेंट को क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। ये एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले समझा देना। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमें पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आपको ज्यादा मात्रा करके फाइबर युक्त खाना खाना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा करके आपको सलाद वेजिटेबल आपको खाना पड़ेगा, और जो नॉनवेज है उसको कम करना है, जो मैदा है उसको कम करना है। तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा ये चीजें, और पानी ज्यादा करके पीने के लिए बोलना पड़ेगा। और अब बात करते हैं मेडिसिन की। जैसे कि इस केस के अंदर, इस पेशेंट के अंदर मैंने पूरा केस टेकिंग करके मैंने पेशेंट को थैलेसिया प्रिस्क्राइब किया है। थैलेसिया क्यों प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि इस पेशेंट का जो हाथ है, यानी हथेली जो पाम्स है और जो पैर के जो सोल्स है, जो तलवे है, वहाँ पसीना बहुत ज्यादा करके आया करता है और उस पसीने में बहुत दुर्गंध है। ये पहला सिम्टम है, बहुत ही पिकुलर सिम्टम है थैलेसिया का। दूसरा सिम्टम है पेशेंट किली है। पेशेंट को ठंड से प्रॉब्लम होती है, ठंड में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, तो पेशेंट किली पेशेंट है, उसको ठंड ज्यादा लगता है। थर्ड जो सिम्टम है, इस पेशेंट का जो टेम्परामेंट है, यानी गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आता है, माइल्ड टेम्परामेंट हम लोग बोल सकते हैं। फोर्थ, अगर माइंड सिम्टम की अगर बात करें तो ये पेशेंट कोई फैसला नहीं कर पाता है ठीक से, इनडिसाइसिव फैसला उनसे नहीं हो पाता है, माइंड में एंग्जाइटी कंफ्यूजन हमेशा भरा हुआ रहता है। और दूसरा जो और एक सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है थैलेसिया की, वो ये है कि फैमिली हिस्ट्री में 2 पर्सन ऐसे है जिनको फिस्टूला है, जिनको फिस्टूला की हिस्ट्री है। तो फिस्टूला की हिस्ट्री के अंदर भी हम लोग थैलेसिया के बारे में सोच सकते हैं। तो पेशेंट का जो फैमिली हिस्ट्री है ये भी थैलेसिया को रिकमेंड कर रहा है। सो चिली पेशेंट, माइल्ड टेम्परामेंट, पेशेंट को ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, हाथ और पैर में पसीना आता है, माइंड इनडिसाइसिव फैसला नहीं कर पाता है खुद से, कंफ्यूजन रहता है, कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है फिर भी फैसला नहीं कर पाता है, और लास्ट फैमिली हिस्ट्री में 2 पर्सन को फिस्टूला, तो फैमिली हिस्ट्री में भी रिकमेंड कर रहा है थैलेसिया। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए मैंने इस पेशेंट को आज थैलेसिया प्रिस्क्राइब किया हुआ है, थैलेसिया 0/1, 2, 3, 4 फॉर दी फर्स्ट 2 मंथ, एंड आई विल डेफिनेटली शो यू द फॉलो अप ऑफ दिस पेशेंट आफ्टर 2 मंथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।